Hello viewers, stay fit and fine. With this thought, once again, welcome back to our channel. If you want, you can join us on Facebook as well as Instagram. तो आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म तंदूरी चाय. तंदूरी चाय एक ऑसम ड्रिंक है और जैसा कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो अब हमें इसकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है. तो चलिए फटाफट से मैं एक आसान से तरीके से आपको तंदूरी चाय की रेसिपी बताती हूँ. तो कप तंदूरी चाय बनाने के लिए हमें चाहिए शुगर 4 टीस्पून, टी पाउडर 3 टीस्पून, कार्डमम की मैंने दो पीसेस ली हैं, साथ ही चाहिए 1 इंच का छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 छोटा ग्लास दूध और 1 कुल्हड़. चाय की दुकान पे मिलने वाले कुल्हड़ का मैंने इस्तेमाल किया है. ये कुल्हड़ बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, इसे सिकोरा और प्ले कप भी बोलते हैं. सबसे पहले हम चाय के भगोने में 3 ग्लास जो दूध है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे. उसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे. फिर जैसे ही दूध थोड़ा पक जाएगा उसमें हम टी पाउडर और शुगर ट्रांसफ़र कर देंगे. याद रखें कि हमको चाय मीडियम से स्लो फ्लेम पे पकानी है. इससे क्या होता है, चाय अच्छे से पकती है और उसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है. आप चाहें तो यहाँ थोड़ा पानी मिला सकते हैं. यहाँ मैंने दूसरे बर्नर का इस्तेमाल करके उस पर कुल्हड़ रख दिया है. कुल्हड़ को हमको अच्छी तरीके से गर्म करना है. यहाँ मैंने फ्लेम हाई रखा है. कुल्हड़ को थोड़ी थोड़ी देर में रोटेट करते जाएं जिससे वो हर तरीके से, हर तरफ से रेड हो जाए. रेड होने का मतलब है कि वो अच्छी तरीके से हीट हो जाए, गर्म हो जाए. जितना अच्छी तरीके से आपका कुल्हड़ गर्म होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आपके चाय में आएगा. मैंने चाय को एक साइड में रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर मैं पका रही हूँ. हमेशा आप चाय मीडियम और स्लो फ्लेम पर पकाएँ, उससे चाय का स्वाद बहुत अच्छा आता है. आप कोशिश करें कि यहाँ पे पानी ना मिलाएं. अगर ज़रूरत है तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट वो जब हम कुल्हड़ को चाय में डीप करेंगे तो वो इवोपरेट होना ही होना है. यहाँ पे स्लो फ्लेम पे हमारी चाय पक रही है, अच्छे से पकाइए. कुल्हड़ को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से गर्म करिएगा, नहीं तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा. कोशिश करिए कि बिना पेंट किया हुआ कुल्हड़ हो, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में जो इजली कुल्हड़ अवेलेबल रहते हैं वो पेंटेड होते हैं. ये देखिए हमारी चाय बॉईल होना स्टार्ट हो रही है. जैसे ही हमारी चाय बॉईल होने लगेगी हम उसमें अदरक का जो टुकड़ा था उसको ग्रेट करके डाल देंगे. आप चाहें तो उसको कूट के भी डाल सकते हैं, उससे भी अदरक का बहुत अच्छा स्वाद आता है चाय में. अदरक मिलाने के बाद चाय को अच्छी तरीके से पकाएं. जब हमारा चाय की क्वांटिटी इनिशियल का हाफ रह जाएगी तो इसका मतलब है कि चाय अच्छे से पक चुकी है. ये देखिए हमारी चाय अच्छे से पक चुकी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है. इधर हमारा कुल्हड़ भी अच्छी तरीके से लाल हो रहा है. अब हम इसको अच्छी तरीके से हीट करते रहेंगे, हर तरीके से, हर तरफ से इसको हीट कर लेंगे. अब चाय हमारी अच्छे से बॉईल हो रही है इसलिए हम इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे और लास्ट में जो कार्डामम के पीसेस थे उसको मोटर पेस्टलर की हेल्प से हम उसका पाउडर बना लेंगे और उसका पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाएँगे. एक बॉयल आने के बाद में हम फ्लेम इसका बंद करके चाय को फिल्टर कर लेंगे. कुल्हड़ भी हर तरीके से हीट हो चुका है तो अब हम चाय में कार्डमम का पाउडर मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे. एक बॉयल लाएंगे. इलायची का पाउडर मिलाने से हमारे चाय को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है, तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें और गैस का फ्लेम बंद करके इस चाय को हम फिल्टर कर लेंगे. चाय को फिल्टर करने के बाद में हम कुल्हड़ का भी फ्लेम हम बंद कर देंगे और कुल्हड़ को हम एक अच्छे से गहरे बर्तन में रखेंगे. ये देखिए मैंने एक गहरा बर्तन लिया हुआ है, उसको उसमें हम कुल्हड़ अच्छे से रख देंगे. कुल्हड़ को रखते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि आपकी चाय ठंडी हो जाएगी. ये देखिए मैंने चाय को दूसरे बर्तन में फिल्टर कर लिया है. अब हम चाय को धीरे धीरे इस कुल्हड़ के ऊपर डालेंगे. कुल्हड़ में डालते वक्त ध्यान रखें कि ये बॉयल भी, मतलब इतना गर्म होता है कुल्हड़ की चाय बॉयल होने लगती है, इसलिए थोड़ा सावधानी से ही डालें. चाय कुल्हड़ में डालने के बाद हम उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. कुल्हड़ को हम हर तरीके से रोटेट करेंगे चाय में, अच्छे से डिप करेंगे जिससे उसका फ्लेवर जो है अच्छी तरीके से चाय में आ जाए. ये देखिए मैंने चाय में अच्छी तरीके से कुल्हड़ को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है. इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही करेंगे. टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि कुल्हड़ इतना गर्म है कि वो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है. ये देखिए मेरी गर्मा गर्म तंदूरी चाय बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम दूसरे कुल्हड़ में ट्रांसफ़र करेंगे और सर्व करेंगे. ये चाय बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही फ्लेवर्ड होती है. इसमें अदरक का, इलायची का और एक मिट्टी का सोनापन आता है. एक बार आप इस चाय को ज़रूर ट्राई करें. अगर आपको ये चाय पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाय बना के पीने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चाय आपको कैसी लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल बैक सून विथ अ न्यू वीडियो. टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर.